रावण ले गया माँ को, वहाँ पधराया। इधर प्रभु अन्वेषण करते आए, जटायु जी मिले, संदेश प्राप्त हुआ, भगवान ने उनको गति प्रदान किया है। तेही क्रिया जथो चित निज कर कीन्ही राम। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। भगवान की बहुत भांति स्तुति करके वो प्रस्थान कर गए। मेरे बाबा ने एक निर्णय दिया, गीध य धम खगयामिष भोगी गति दीन ही जो जाचत जोगी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होहि बिषय अनुराग। गीध अधम खग भोजन भी आमिष भोजिए, भगवान ने वो गति दी जो जोगी लोग चाहते हैं। क्यों? जीवन के कारण, जन्म के कारण, कर्म कैसा भी हो, यदि हमारा जीवन शुद्ध है, सिद्ध है, साधक का है, तो इस जीवन को भी भगवान धन्य धन्य बना ही देते। जीवन ही बस में न है जी, जन्माद्य तो बस में रहा नहीं, और जैसा जीवन है वैसा ही हम इसका अलंकरण कर लें। शुद्ध बुद्ध बालकांड में एक पंक्ति है, चौपाई है, विधि बस सुजन कुसंगति पर, विधि बस सुजन कुसंगति पर, हानि मनि समनिज गुण अनुसर, सम निज गुण अनुसार। जन्माद्य संस्कार के वसात सज्जन लोग कुसंगति में कभी कभार पड़ जाते, परंतु जैसे सर्प के विष के अंदर मणि रहती है, फनी मनी समनिज गुण अनुसार, उनके अनुसार वो अपने गुण को सहज रखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई गिरावट नहीं, उनकी चमक बनी ही रहती है। और निज स्वभाव की सहजता का त्याग कर आप नहीं करना चाहिए, साधु स्वभाव का, दूसरों को देखकर हमारा जीवन भी ऐसा वैसा हो जाए, ये अच्छे लक्षण नहीं। एक गांव के बाहर चोर लोग बैठक कर रहे थे। कौन लोग? चोर। बहुत बुद्धिमान थे, मीटिंग बनाए आज कहां करना है चोरी। तो एक बोला कि चलो मंदिर है, मंदिर में भगवान को प्रणाम कर लें, मनौती मान लें, क्या यदि नहीं पकड़े जाएंगे तो इतना लड्डू चढ़ाएंगे, तो मनौती मान लिए। अब मनौती मान तो लिए, परंतु एक बोला कि अरे भाई देखो, ये यहाँ के पुजारी बड़े हट्टे कट्टे हैं, तो ऐसा करो कि पुजारी जी को भी ले लेते हैं, कि मोटे हैं तो सामान वामान उठाने में थोड़ा इन्हीं के ऊपर लाद देंगे छुरा के। ले लिए। पुजारी महाराज बोले कि कहाँ ले जा रहे हो?
आपको क्या मतलब, चलो साथ में। अरे बोले हम भगवान के भगत हैं, हमको कहाँ रतिया में 11 बजे उठा के ले जा रहे भैया। कहे तुमको कुछ करना नहीं है, बस सामान बांध देगा सिर पर लाद के ले आके और यहाँ रख लेना मंदिर में, और हम लोग फिर अपना अपना सामान ले जाएंगे, आपका हिस्सा अलग रहेगा। पंडित जी बोले देखो हमको हिस्सा बांट नहीं करना है, हमको आराम से छोड़ दो, और नहीं तो चलो तुम्हारा काम कर देंगे, हमको कुछ लेना वाना नहीं यार। पंडित जी लोग जो पुजारी महाराज होते हैं वो संघ गरुण जी और शालिग्राम जेबा में रखते हैं। कहीं यजमान का दिया भोग लगाओ तो कैसे लगेगा। तो पंडित जी एक पाकिट में शालिग्राम जी, एक में गरुण जी, दूसरे तीसरे में जो पेटा वाला था शंख रखे, शरीर भगवान ने दिया ही था। चले आजकल की तरह बंदूक वंदूक तो का समय था नहीं, दीवार काट करके लोग घुसते थे, क्या बोलते हैं सेन मारते थे, तो सेन मार करके पंडित जी को घुसा दिए सब। अब पीछे से ये घुसा कि हम सामान उधर करेंगे और पंडित जी जो है इकट्ठा करते रहेंगे। कहे जो जो मैं निकालूं सब इकट्ठा करना, अब बाहर करते रहना। तो जहां तक हो सके अब कि इतने में वो उनके जिसके घर में गए थे भैंस तो थी तो दही महका। अब पंडित जी ने वो क्या कहतरी जो ढकते हैं क्या बोलते हैं उसको, ए माई बोलो कहतरी ढकते हैं क्या बोलते हैं उसको, है तो कुछ जानती नहीं हो तो क्या बैठी हो, है क्या बोलते हैं वो जो मिट्टी का बना होता है छेद होता है कहतरी ढकी जाती है बिल्ली ना आवे, जो भी हो है नहीं बोलती नहीं, उसका नाम कुछ और है हमको याद नहीं आ रहा। हमारे यहाँ अम्मा जी उसको बना के रखती थी और कहतरी उससे ढक देती थी, अब फिर जब बांटना होता था तो खोलती थी उसको, जो भी हो टोपा मान लो टोपा वो। तो पंडित जी ने टोपा खोल दिया जैसे ही दही महका। अब दही महका पंडित जी खड़े होकर पुजारी जी महाराज आहा वाह प्रभु वाह प्रभु, निकाले पाकिट से शालिग्राम जी को रख दिए और डाले तुलसी दल, गरुड़ जी को बचाए। अब बिना शंख के तो भोग लगेगा नहीं, आप पंडित जी ने बजाया शंख, ओ सारे घर वाले जग गए जग गए। वो चोर जो था वो निकल के चला भाग, पंडित जी पकड़े गए, तो जितनी सेवा बन पड़ी घर वालों ने। मणि जी बोले देखो भाई, अरे सेठ सेठ से आए, नहीं नहीं हम देखो हम बगल के गांव के मंदिर के पुजारी महाराज है, हम आए नहीं हम लाए गए। अब पूरी कथा जब बताए तो लोगों ने उनको छोड़ा, अब कहा सीधे सीधे इधर से चले जाइए। लेकिन ये आपने किया क्यों, बोले जब दही देखा तो सोचा भगवान को भोग लगा दें, अब भोग लगाते समय जैसे गरुड़ जी को बजा के मैंने शंख बजाया, भैया यदि हम चोर होते तो हम काहे गरुड़ जी बजाते शंख काहे बजाते। तो घर वालों ने प्रणाम किया, उनको दही वही खिला के रात को विदा किया। देखिए ये चौपाई का यही अर्थ है, विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, परंतु फन मन सम निज गुण अनुसार। भगवान का भोग लगेगा ही, गुरु जी हैं हाँ करेंगे ही, और संघ बजेगा ही, भले पकड़े जाए लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं करनी है। फन मन सम निज गुण अनुसार, जीवन में चाहे जो हो चाहे जो जाए चाहे जो आए, परंतु भैया हो बिना भगवान को भोग लगाए खाना नहीं है। राम रसिया में दो बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया में दो बसिया।
सुदामज के तंदुल सबर जी के बेर सुदाम के तंदुल प्रेम सहित तुन पायो रसिया रुचि रुचि बो परिवार को पवाइए, सब में भक्ति अपने आप अवतरित हो जाएगी। प्रसाद भगवान का लेते रहने से चित्त निर्मल हो जाता है, मन भगवान में रमने लगता है। प्रसाद प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुभाषा। हाँ, आज का कल नहीं, कल का परसों नहीं, परसों का नरसों नहीं। भगवत प्रेम जगाने से जगता है, करने से व्यवहार बनता है, करेंगे नहीं तो बनेगा ही नहीं। भगवान के दरबार में आते जाते रहना है, भगवान से मिलते मिलाते रहना है, भगवान में रम रमाते रहना है, फिर अपने आप सब हो जाएगा। जो नहीं होना सब भगवान कर देगा, चिंता मुक्त रहेंगे। अरे जब कलयुग में नरसी के भात भर सकते हैं, वो धन्ना जाट की खेती करा सकते हैं, बासी खिचड़ माई क्या नाम दो कर्मा बाई का खा सकते हैं, तो भगवान करतुम अकर्तुम मन्यता करतुम, जो करने वाला है वो करते हैं, नहीं करने वाला वो भी करते हैं, नहीं करने करने के मध्य में है उसको भी करते हैं। प्रभु जो करना है सब करते हैं, बस हमारा विश्वास हो कि भगवान करते हैं। मेरे राघव अपना काम हो रहा है, सब भगवान करते हैं, जीव के तो बस का ही नहीं है ना।